नमस्कार आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो चलिए खबर को जानते हैं विस्तार से। देवघर में जमीन की अवैध रजिस्ट्री केस में सीएम हेमंत सोरेन ने जानिए किन अधिकारियों के खिलाफ एसीबी को दिया निर्देश। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इस दिशा में तेजी से कार्रवाई भी की जा रही है। इसी दिशा में देवघर में भूमि का अवैध एलपीसी जारी कर निबंधन करने में शामिल पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देवघर के तत्कालीन अंचल अधिकारी अमर प्रसाद, तत्कालीन अंचल अधिकारी जयवर्धन कुमार एवं तत्कालीन अवर जिला निबंधन राहुल चौबे के खिलाफ पीई दर्ज करते हुए एसीबी से जांच करने का निर्देश दिया है। झारखंड के 5 पूर्व मंत्रियों की बड़ी मुश्किलें, सीएम हेमंत सोरेन ने दिया आदेश। झारखंड के 5 पूर्व मंत्रियों की मुश्किलें बढ़ गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी, रणधीर कुमार सिंह, डॉक्टर नीरा यादव, लुईस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा के खिलाफ प्रत्यानुपातिक धनार्जन की अग्रेतर जांच को लेकर पी दर्ज करने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को निर्देश दिया है। रांची के सदर अस्पताल में बड़े पैमाने पर होगी बहाली, यानी किन पद के लिए सबसे ज़्यादा सीट। रांची के सदर अस्पताल में चिकित्सकों से लेकर के सफाई कर्मियों तक के पद बड़ी संख्या में खाली है। ऐसे में नए सुपर स्पेशलिस्टी भवन में मरीजों का इलाज संभव नहीं है। 10 नवंबर को 500 बेड वाले अस्पताल का हैंडओवर तो किया गया, लेकिन यहां इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स नियमों के हिसाब से डॉक्टर्स और पारा मेडिकल स्टाफ की भारी किल्लत है। नियमों के हिसाब से 500 बिस्तर पर 628 मेडिकल स्टाफ होना चाहिए, लेकिन अस्पताल की ओर से अभी 562 स्टाफ की जरूरत बताई गई है। फिलहाल यहां 378 कर्मचारियों का अंतर है। झारखंड में जमकर हो रही बालू तस्करी, पुलिस ने पकड़े सिर पे 8,95,00,000 के बालू। राज्य के विभिन्न जिलों में जमकर बालू की तस्करी हुई है, लेकिन पुलिस सिर्फ करीब 8,95,91,400 रुपये कीमत की बालू की पकड़ सकी है। इस बात की पुष्टि बालू तस्करी के खिलाफ पुलिस और प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर तैयार आंकड़ों से होती है। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में झारखंड सरकार फिर जाएगी सुप्रीम कोर्ट। सोनी कुमारी मामले पर सुनवाई हुई। झारखंड में वर्ष 2016 में शुरू हुई हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई है। प्रार्थी सोनी कुमारी ने जहाँ कोर्ट में अवमाननावाद दायर किया है, वहीं राज्य सरकार भी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। सोमवार को राज्य सरकार की ओर से इस मामले में याचिका दायर किए जाने की संभावना है। राज्य सरकार पिछले आदेश के तहत कुछ बिंदुओं को लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आयोग चला रहा है विशेष अभियान, प्रखंडों में लगेगा कैंप। धनबाद जिला निर्वाचन कार्यालय में मतदाता सूची के नाम जुड़वाने का गलतियों में सुधार के लिए रविवार को विशेष अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के दौरान वे युवा मतदाता भी आवेदन दे सके जो 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की उम्र में पूरी रहे। इनकी जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त संदीप सिंह ने बताया कि इस विशेष अभियान का आयोजन राष्ट्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर पूरे देश में किया जा रहा है। जिले में वैसे तो इसकी शुरुआत गत 9 नवंबर से ही की जा रही चुकी है, लेकिन आज से विधिवत शुरू किया जा रहा है। झारखंड स्थापना दिवस में शामिल होंगे 15,000 लोग, हेमंत सोरेन ने देखी तैयारियां। झारखंड स्थापना दिवस समारोह के लिए रांची के मोराबादी मैदान तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर चल रहे निर्माण कार्य को देखा। इस दौरान विभिन्न विभागों के मौजूद पदाधिकारियों को कार्यक्रम के सिलसिले में दिशा निर्देश भी दिया। कार्यक्रम में अतिथियों के बैठने की व्यवस्था पर पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई है। लेक्चरर नियुक्ति घोटाला मामले में सीबीआई ने शपथ पत्र दाखिल करने के लिए मांगा समय। हाईकोर्ट के जज एसके द्विवेदी की अदालत ने सोमवार को लेक्चरर नियुक्ति घोटाला मामले में आरोपियों की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की। मामले में सीबीआई की ओर से शपथ पत्र दाखिल करने के लिए 2 माह का समय मांगा गया था। कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए समय प्रदान करते हुए मामले की सुनवाई 7 दिसंबर निर्धारित की गई है। सीबीआई की ओर से प्रशांत पल्लव ने पैरवी की है। प्रार्थियों की ओर से बताया गया कि इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है।
किया। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो 1932 का बहाना बनाकर 50,000 शिक्षकों की बहाली को लटकाना चाहते हैं। 14 सितंबर को हेमंत सरकार ने कैबिनेट से 1932 के खतियान पर आधारित पॉलिसी की मंजूरी दे दी। इसके बाद 11 नवंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में यह विधेयक पास करा लिया गया। नाम दिया गया परिणामी सामाजिक सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए अधिनियम 2022 अब इस विधेयक को राज्यपाल के पास भेज दिया जाएगा। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद यूँ सामान्य विधेयक कानून का रूप ले लेते हैं, लेकिन इस विधेयक को राज्यपाल के आगे के कई पड़ावों से गुजरना है। मुंबई एयरपोर्ट पर 32 करोड़ का सोना जब्त करने पर सीतारमण ने कस्टम विभाग की सराहना की। वित्त मंत्री सीतारमण ने मुंबई एयरपोर्ट कस्टम द्वारा 32 करोड़ के 61 किलोग्राम सोना जब्त करने पर कस्टम विभाग की सराहना की। सीतारमण ने कहा कि सतर्कता के लिए मुंबई कस्टम की सराहना करती हूँ, आपके समय पर की गई कार्रवाई शानदार परिणाम सामने आए हैं। विभाग के मुताबिक एक दिन की कई सबसे बड़ी शक्ति थी। पीएम मोदी बोले बाली जी 20 समिट के दौरान वैश्विक चिंता के मुद्दों पर नेताओं के साथ चर्चा करूंगा। इंडोनेशिया के बाली में होने वाले 17वें G20 शिखर सम्मेलन के लिए जाने से पहले मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर्यावरण जैसे वैश्विक चिंता के मुद्दों पर भी G20 के अन्य नेताओं के साथ व्यापक चर्चा करूंगा। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो वाली शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपेंगे। ज्ञानवापी मामले में कल आने वाले फैसला यूपी के कोर्ट ने टाला। तारीख 17 नवंबर तय किया। यूपी के वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए मांग वाली याचिका पर कल सोमवार को सुनाया। सहायक शासकीय अभियंता सुलभ प्रकाश ने बताया कि अब इस मामले में 17 नवंबर को फैसला आएगा। याचिका के ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई थी।